हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, जो कि रिलेट करती है प्रिंट कल्चर से एंड मॉडर्न वर्ल्ड से। क्लास 10th के हिस्ट्री से आने वाला चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। ऑलरेडी कई बार ये बात मैं आपको बोल चुका हूँ। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, देखो एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं। सबसे लास्टली तो हमने सबसे पहले तो हमने प्रिंट रीडिंग मेनिया के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने ये देखा था कि किस तरह से फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिटरेचर का क्या रोल था, रीडिंग का क्या रोल था, उसको हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। नहीं देखे हैं पुराने वीडियोस तो ज़रूर से पहले वो वीडियोस देखें। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बात हम करेंगे कि 19th सेंचुरी में प्रिंट का क्या कंडीशन था एंड वॉट चेंजेस इट बॉट। ओके, ये क्या बदलाव लेकर आता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, रीडिंग मेनिया आ गया था। रीडिंग मेनिया के बाद में हमने पढ़ा था कि किस तरह से वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आए, जो लोग अत्याचारी थे उनके अंदर बदलाव आए थे। प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या कंडीशंस लाई थी, इन सबको भी हमने देखा था। एंड फाइनली इस फोटोग्राफ से हमने वो टॉपिक खत्म कर दिया था। नाउ द न्यू टॉपिक सेज द 19th सेंचुरी कंडीशन, यूरोप में लिटरेचर ने, रीडिंग ने, प्रिंट ने क्या बदलाव लाया वो हम देख रहे हैं। कि अगर आप देखें कि मास कम्युनिटी, द मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नाउ दे वर इंटरेस्टेड टू स्टडी, वो अब इस चीज़ को समझने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। पूरे यूरोप के अंदर कंडीशन कुछ ऐसी हो रही थी रेवोल्यूशन के बाद में फ्रांस में, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तो कंडीशन ऐसी थी कि अब पूरे यूरोप के कंट्रीज वर इंगेजिंग इन दैट सिचुएशन, कि अब हमें भी फ्री होना है। तो उसमें ऑफकोर्स उनको समझाना पड़ेगा कि क्या चीज़ें चल रही है, तो उसमें भी लिटरेचर इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर अगर मैं पूरे यूरोप की बात करूँ तो लिटरेसी पूरे यूरोप में बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इसमें विमेन, मैन, वर्कर्स, चिल्ड्रन, एवरीबडी वॉज इंगेजिंग दैट, स्पेशली चिल्ड्रन एंड विमेन वर द पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो ये तो काफी ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट हो चुके थे। ठीक है, तो इसका टॉपिक क्या है, टॉपिक कहता है यहां पे जो आपको बुक में दिया गया है, चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर। अब इसमें क्या होता है उसको समझें। देखो एक यहाँ पे फोटोग्राफ है, ये है आपका फ्रंट पीस ऑफ पेनी मैगजीन मीन्स जो पेनी थी, एक पेनी की जो मैगजीन आती थी 5-6 पेजेस की, उसका जो फ्रंट पेज था उसमें से एक फ्रंट पेज यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो बच्चे थे, जो विमेन थी और जो वर्कर्स थे वो किस तरह से इंटरेस्टेड थे। तो पेनी मैगजीन पब्लिश किया गया 1832 से 1835 के बीच में इंग्लैंड में। अब हम फ्रांस से निकल चुके हैं और इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद में यहां पे किस तरह से नॉलेज को लोगों के बीच में बांटा गया है वो चीज बताई गई है, किस तरह से नॉलेज यहां पर स्प्रेड हुई है। इसका मेन एम यही था कि जो लोग थे वो स्पेशली वर्किंग क्लास वो चीज़ों को समझ सकें। उनके लिए ऐसा ना ही तो कोई एक ऐसा जरिया था जिससे कि लोग अपने आप को थोड़ा सा नॉलेजेबल बना सकें। स्कूल एक्सेसिबल नहीं थे उनके लिए, स्पेशली विमेन की कंडीशन तो पूरे यूरोप में बहुत ख़राब थी। ऑलरेडी हमने क्लास 10th के चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि विमेन की कंडीशन क्या थी। तो ऐसे में लोगों का, मतलब स्पेशली विमेन का, बच्चों को पढ़ना ये बहुत ज़्यादा टिपिकल था। तो उनके लिए यहाँ पर चीज़ बताई गई कि 1932-35 के बीच में जो पेनी मैगजीन्स थी काफ़ी बड़ा एक सोर्स था फॉर इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, एंड इट वॉज एम कि ये वर्किंग क्लास के बीच में शेयर किया जाए। इसके साथ साथ वो जो फोटोग्राफ है उसको थोड़ा सा नोट कर लेना। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो लेट 19th सेंचुरी के अंदर जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, ये इनको दिमाग में रखते हुए इनके लिए रीडिंग का सेक्शन बनाया गया, रीडिंग की क्लासेस बनाई गई। लाइक अलग अलग कैटेगराइजेशन बन गया कि इन बच्चों को क्या पसंद होगा। ठीक है, इनकी नॉलेज को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से साइंटिफिक थ्योरीज इनको सिखाई जाए, या फिर थीसिस कैसे बताई जाए, किस तरह से रिसर्च या इनोवेशन क्या हुए हैं वो बताया जाए। तो ऐसा इनके साथ साथ, और हाँ केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा इनके इंटरेस्ट, इनके एंटरटेनमेंट के लिए जो पुरानी फेरी टेल्स हैं, बैलेड्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी इनको इंगेज की गई थी इस तरह से। तो स्कूल्स वगैरह के अंदर जो टेक्स्ट बुक थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं थी वो, और सारे बच्चे तो जाते नहीं थे कहाँ पे, स्कूल्स वगैरह में। सो टेक्स्ट बुक वॉज नॉट इन दैट सिचुएशन कि वो आसानी से लोगों के बीच में स्प्रेड हो जाए। तो जो पब्लिशर्स थे इन्होंने
चिल्ड्रन प्रेस के नाम से या चिल्ड्रन प्रेस वाली कंडीशन से स्टार्ट की, स्पेशली पहले फ्रांस में हुई एंड देन आफ्टर स्प्रेड ऑल ओवर द यूरोप। यहां पर इसके अंदर क्या किया जाता था, नए तरीके की चीजें पब्लिश की जाती थी जिसमें फेरी टेल्स थी, फोक टेल्स थी, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्रा है, आप मेरे को कमेंट करके बताना पंचतंत्रा किसने लिखी। तो वैसे ही वहां पर भी क्या होता था कि फेरी टेल्स, फोक टेल्स, वो सारी चीजें बच्चों के लिए प्रिंट की जाती थी या उन सभी चीजों को प्रिंट किया जाता था जो कि बच्चे देख सकते थे। और अगर ऐसा होता था कि कुछ चीजें ऐसी कंट्रोवर्शियल है जो कि एलिट्स को लगता था कि नहीं होनी चाहिए, उसको हटा दिया जाता था। जैसे कोई भी ऐसी चीज अगर मिस सूटेबल है बच्चे के लिए या थोड़ी सी वल्गर अगर लग रही है तो उसको हटा दिया जाता था, उसको प्रिंट नहीं किया जाता था, ठीक है। वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश्ड वर्जन। कोई भी चीज पहले अगर ऐसी है कि बच्चों को जो चीज़ मिलनी चाहिए पढ़ने को, देखने को, वो सारी चीज़ें ही दी जाती थी, अदरवाइज कोई और चीज़ नहीं दी जाती थी। विमेन वॉज ऑल्सो इंगेजिंग इन दैट, कि जो विमेन थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीडर के तौर पर उभरी थी और एज वेल एज राइटर्स भी बहुत सारी हुई उस टाइम पर। एंड ये वाली कंडीशन काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है, क्यों, क्योंकि देखो उस टाइम पर अगर जब हम यूरोप की बात करते हैं तो तुम में से हर अधिकतर बच्चा ये जानता है कि यूरोप के अंदर विमेन की कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं थी उस टाइम पर। लोग ना तो विमेन को इक्वलिटी का दर्जा देते थे और ना ही उनको इतना अपॉर्चुनिटी था कि वो अपने आप को थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सके। तो ऐसे में विमेन को दिमाग में रखते हुए विमेन राइटर्स सामने आई, उन्होंने अपनी किताबें लिखी और वो किताबें ऑफकोर्स वो बेटर जानेंगी कि क्या कंडीशन है विमेन की। तो ऐसे में उन्होंने जो लिखा वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। इस यहाँ पर बताया गया, जैसे पेनी मैगजीन्स में बात करें तो विमेन को दिमाग में रखते हुए कई सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो कि प्रॉपर बिहेवियर कैसे रखना है, हाउस को कैसे, हाउसकीपिंग कैसे करनी है, या फिर आपके एटिकेट्स क्या होने चाहिए, मैनरिज्म क्या होना चाहिए, ठीक है। कुकिंग वगैरह भी हमने पढ़ा था कि कुकिंग वगैरह की भी चीज़ें इसमें होती थी, तो वो सारी चीज़ें इसमें प्रिंट की जाती थी एंड काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर हुई। उन्हीं में से कुछ अगर देखा जाए तो बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट भी बनी। मैंने फिर वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी जो कंडीशंस हैं, मतलब लाइक अगर आपकी बात अमूमन जो सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं ना, अपन बोलते हैं कि कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, तो आप उसकी बात काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे इंस्टेड ऑफ कोई भी ऐसा पर्सन जो चाहे आपसे एज में बड़ा हो या एज में छोटा हो। तो जो क्लास ग्रुप होता है ना उसको काफ़ी आसानी से वो एक दूसरे के साथ में पैचअप कर सकते हैं। तो ये कंडीशन थी कि यहाँ पे जो विमेन राइटर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई बिकॉज उनका वर्क जो था वो अप्रिशिएट किया गया विमेन कम्युनिटी के थ्रू। यहाँ पर कुछ नाम बताए गए हैं जो कि बेस्ट नोन नॉवलिस्ट हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो जैन ऑस्टियन है, ब्रॉन्ट सिस्टर्स हैं और जॉर्ज एलियट हैं। ये वो कुछ नाम हैं बहुत फेमस नॉवलिस्ट के जो उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हुए और उनकी राइटिंग्स काफ़ी ज़्यादा चली लोगों के बीच में, स्पेशली विमेंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। इनकी राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी नई टाइप की कंडीशंस को विमेन के सामने जो हुआ, विमेन के लिए जो इन्होंने डिफाइन किया कि इनका, इनकी विल क्या है, इनका स्ट्रेंथ क्या है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी हो, ये किस तरह से अपनी पावर को, मतलब सोचने की क्षमता को बढ़ा सकती हैं एंड हाउ दे कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड बाय देयर बिहेवियर बाय देयर नॉलेज, वो सारी चीज़ें उनके बीच में डाली और ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलरिटी गेन करने वाला पहला ऐसा स्टेप रहा बिकॉज अभी तक विमेन को हाईलाइट नहीं किया गया था। हमने पढ़ा है नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर के अंदर कि विमेन को बहुत बाद में जाकर के, इवन वोटिंग राइट्स तो बहुत ही बाद में जाकर के मिले, सेम फ्रांस में हुआ, पूरे यूरोप में हुआ। ऐसी कंडीशन में ये विमेन को रिप्रेजेंट करते हुए कोई पर्टिकुलर कंडीशन हो तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तो होनी थी और ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ पर अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो काफ़ी सारा लाइब्रेरी ऐसा था यूरोप के अंदर जहाँ पे जो एजुकेशन था वो मोटिवेटेड था बिकॉज उससे लोग इस तरह से इंगेज करते थे कि दे विल गेट द वाइट कॉलर जॉब। और ऑफ कोर्स आज भी ये होता है कि आप अच्छा कुछ पढ़ लोगे तो आपको वाइट कॉलर जॉब मिलेगी। और वाइट कॉलर, अच्छा वाइट कॉलर जॉब क्या होता है, मतलब जहाँ पे हाथ पैर गंदे ना हो, आप बैठ के आराम से एसी के अंदर काम कर रहे हो, दैट इज़ वाइट कॉलर जॉब, ठीक है। सो यहाँ पर जिसके, हाँ, लोगों के बीच में पॉपुलरिटी भी होनी चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। तो ऐसे में वाइट कॉलर जॉब, द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द एजुकेशन, वाइट कॉलर जॉब्स, वर्कर्स, आर्टिशियंस, लो मिडिल क्लास पीपल। एंड हाँ, मान के चलो यूरोप के अंदर जो लाइब्रेरीज थी देवर फोकसिंग ओवर दैट। एंड ऐसे में वर्किंग इन अ डे एंड ग्रेजुअली
इसके बाद में मिड 19th सेंचुरी के दौरान वर्कर्स के पास जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता था वो अपने कंडीशंस को सुधारने के लिए पढ़ने लिखने लग जाते थे। जैसे काम करके आए बेचारे थक हार करके, स्पेशली जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते थे, अब इनके बीच में ये इंटरेस्ट आ चुका था कि अगर हम पढ़ लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और ऐसे में लोगों ने पढ़ना तो शुरू किया ही, जो उनके एक्सपीरियंस थे उन्होंने उसको लिखना भी शुरू कर दिया। ठीक है, इसी कारण से कहा जाता है कि अगर हम मिड 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑटोबायोग्राफीज पॉपुलर हुई, बहुत सारे लोगों ने ऑटोबायोग्राफी लिखा, क्योंकि जैसे भी व्हाइट कॉलर जॉब वाले जो लोग थे, पहली चीज़ तो उनको गेन कर लेंगे, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, एंड उसके बाद आर्टिशंस है, वर्कर्स है, जब भी अपने काम से थोड़ा बहुत फुर्सत इनको मिलता था दे स्टडी, वो पढ़ते थे एंड दे बिगिन टू स्टार्ट राइटिंग देयर लाइफ, जो उनका लाइफ है उसके अंदर उसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया, एंड फाइनली वो ऑटोबायोग्राफीज के तौर पर हमें देखने को मिलती है। एन एफ फ्रैंक डायरी, अगर आपने पढ़ा हो क्लास 10th में भी चैप्टर आता है इंग्लिश के अंदर, द एन एफ फ्रैंक डायरी में क्या है, वो छोटी सी बच्ची जो अपनी कंडीशंस बताती है, एन एफ फ्रैंक क्या था, छोटी सी बच्ची अपनी राइटिंग सी तो बताती है, उसने डायरी में जो लिखा, वांडा वाला चैप्टर क्लास 10th के अंदर, 100 ड्रेसेस, वो क्या है, छोटी छोटी वो स्टोरीज तो हैं, ऐसी स्टोरीज उस टाइम पर भी लोग लिखा करते थे। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, इसी को थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं आगे। ये तो हमने बात की बच्चों के लिए और विमेन के लिए, स्पेशली वर्कर्स के लिए। तो बच्चों के लिए क्या था, बच्चों के लिए तो था कि फेरी टेल और फोक टेल्स, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करना शुरू कर दिया टेक्स्ट बुक के अलावा। विमेन के लिए तो विमेन राइटर्स ने उनके कंडीशंस को, उनके बिहेवियर को सुधारने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, पॉपुलरिटी गेन करने के लिए वो सारी चीज़ें उसमें बता दी। और वर्कर्स को जैसे टाइम मिलता था वो पढ़ते थे और चीज़ें अपनी लिखते थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि आगे चल के और जो इनोवेशंस हुए, ठीक है, और क्या क्या इनोवेशंस हुए, उन्होंने और क्या क्या बदलाव लेकर आए रीडिंग्स के अंदर 19th सेंचुरी के दौरान जो हुआ, वी विल डिस्कस। इन्होंने कहा कि अगर हम लेट 18th सेंचुरी के आसपास आते हैं, 18th सेंचुरी के आसपास जो प्रेस का जो पावर था वो अब और थोड़ा सा, मतलब बोल सकते हो आप, थोड़ा और आगे बढ़ गया था। नाउ अब यहाँ पे मेटालिक रेवोल्यूशन आ चुका था, अब जो प्रेस थी, जो प्रिंटिंग प्रेस थी, वो और मॉडर्नाइज हो गई थी। ऐसे ही इन्होंने कहा कि 19th सेंचुरी के दौरान नए नए इनोवेशंस देखने को मिले, और एक अमेरिकन बोल सकते हो इन्वेंटर थे जिनका नाम था रिचर्ड मार्च होए, ठीक है, होए, वो होए वाले होए, तो रिचर्ड वो वाले नहीं, रिचर्ड मार्च होए ने एक नया कुछ इनोवेशन लेकर आए, और इसके अंदर अब उन्होंने इस तरह की कंडीशंस रख दी, मतलब बना दी उस मशीन को, जिससे कि प्रिंटिंग के अंदर जो ग्रोथ थी, मतलब प्रिंटिंग जो पर आवर जो आप प्रिंट करते थे उसमें बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो गई। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इन्होंने अपना इनोवेशन किया, एंड उसके बाद में लगभग 1 घंटे के अंदर 8,000 तक आप शीट्स प्रिंट करने में कैपेबल हो चुके थे। इस तरह का इनोवेशन था इनका, ठीक है। तो और ये कैसे था, पावर से, सिलेंड्रिक प्रेस कहते हैं इसको, सिलेंड्रिक प्रेस था जो कि पावर से चलता था और अपने आप काम करता था। अब आपको वो बार बार ऐसे वो स्क्रू घुमाने की जरूरत नहीं थी प्रेस करने के लिए। इट वाज अ काइंड ऑफ सिलेंड्रिक प्रेस जो अपने आप 8,000 प्रिंट तक कर देती थी 1 घंटे के अंदर, ठीक है। अब यहाँ जब इस तरह का कोई नया इनोवेशन हुआ तो वॉट हैपेंड देयर, तो पहली चीज़ तो ये हुई कि अब जो प्रेस था, जो प्रिंटिंग प्रेस था, इसने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। जो पहले पीरियडिकली प्रिंट होते थे क्योंकि इट वॉज टेकिंग द टाइम, तो ऐसे में वो बहुत समय ले रहा था, तो अब न्यूज़पेपर डेली न्यूज़पेपर प्रिंट होने लग गए। तो अब पावर से, चाहे वो स्टीम हो चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, उससे चलने वाला कंडीशन मतलब अब हमारे सामने आ गया था। ऐसे में न्यूज़पेपर बहुत तेज़ी से प्रिंट होने लग गए। सबसे बड़ी बात ये भी थी कि ऑफसेट प्रिंटिंग भी हो गई थी। ऑफसेट क्या होता है, अगर आप उसको थोड़ा छू करके देखोगे तो उभरी सी प्रिंटिंग दिखती है, थोड़ी सी ना उभरी उभरी सी दिखती है, तो वो ऑफसेट प्रिंटिंग कहते हैं उसको, वो भी डेवलप हो गई थी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था, नाउ एक साथ आप 6 कलर को भी प्रिंट कर सकते थे, 6 कलर एक बार में प्रिंट हो जाते थे, उस लेवल पर हम चले गए थे। अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस अब एक्सेलरेट कर चुकी थी प्रिंटिंग वर्क को, ठीक है, जो भी प्रिंटिंग का ऑपरेशंस होते थे, मतलब जो काम होते थे प्रिंटिंग का, जो भी वर्क था, उसने एक्सेलरेट कर दिया था अपने मेथड को ड्यू टू द दिस न्यू इनोवेशन। ओके, सो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड जो प्रेस होती थी उसने प्रिंटिंग की
मतलब जो प्रिंटिंग का जो प्रोसेस था उसको बहुत तेज़ कर दिया। साथ ही साथ जो पेपर के अंदर, पेपर पे जैसे इंक डलती थी, पेपर को जैसे प्रिंट किया जाता था, उसको भी काफ़ी इम्प्रूव कर दिया। यहाँ पे है फीडिंग पेपर इम्प्रूव्ड, मतलब जो तरीके से पेपर पे आप प्रिंट करते थे वो तरीका भी काफ़ी ज़्यादा अब बदल चुका था। जो क्वालिटी थी प्लेट्स की वो भी काफ़ी बेटर हो चुकी थी। वो प्लेट मतलब जिससे प्रेस से आप पेपर पे छाप रहे हो, वो जो प्लेट है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अब इम्प्रूव कर दी गई थी। और साथ ही ऑटोमेटिक पेपर रील्स, कि एक पेपर ख़त्म हो गया दूसरा पेपर लग जाएगा उसके अंदर। साथ ही फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल, कलर रजिस्टर, इन सब चीज़ों को भी इम्प्रूव कर दिया गया था। कितना किस में कलर जाना है, क्या ब्लेंड होना चाहिए सही, वो सारी चीज़ें भी होना शुरू हो चुकी थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसने बताई। अगर हम और देखें तो प्रिंटर्स और पब्लिशर्स अब कॉन्टिन्यूसली नई नई स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे थे। अब कॉम्पिटिशन तो बढ़ेगा, तो ऐसे में प्रिंटर एंड पब्लिशर्स के बीच में दिमाग में चलती थी चीज़ें कि कैसे नई स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे हमारे पेपर्स को या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको सेल करें। 1920 तक आते आते इंग्लैंड के अंदर तो पॉपुलर वर्क सोल्ड किए जाने लगे। बहुत बड़े बड़े जो लिटरेचर थे, बहुत बड़े बड़े जो नॉवेल्स थे या फिर बहुत जो फेमस चीज़ें थी उनको चीपर, मतलब बहुत छोटे पैमाने पर करके बेचा जाना शुरू हो गया। जैसे आइंस्टीन न्यूटन की जो थ्योरीज हैं उन सबको प्रिंट करके बेचा जाना लग गया, जिससे कि लोग समझ पाएँ और ज़्यादा पढ़ पाएँ। तो ऐसे में वो यही हुआ कि बड़े बड़े जो इम्पॉर्टेंट वर्क थे अब उनको चीप रेट्स में बेचा जा रहा था। इसको क्या कहा जाता था, शिलिंग सीरीज। शिलिंग सीरीज क्या है, शिलिंग सीरीज एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इम्पॉर्टेंट वर्क, पॉपुलर वर्क चीप सीरीज में, मतलब छोटे छोटे सीरीज में, पहला वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम, फोर्थ वॉल्यूम, ऐसे में शिलिंग सीरीज इसको कहा गया। इसमें ग्रेट डिप्रेशन की कंडीशंस को भी बताया गया। याद करो ग्रेट डिप्रेशन वाला टाइम, 1929 टू 32 के बीच में कंडीशन क्या आई, 1930s का वो दौर था जिसमें पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिकली क्राइसिस झेल रहा था, उसमें क्या क्या हुआ वो चीज़ें भी बताई। पब्लिशर ने बताया कि किस तरह से कंडीशंस हो रही है। अब जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो और भी चीज़ें होनी है, इनके ऊपर भी तो इम्पैक्ट पड़ना है, तो ऐसे ही पड़ा। उस टाइम पर वो जो चीज़ें थी वो भी लोगों को पता चल रहा था, किसके थ्रू, इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू। साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो भी पता चल रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको दूसरे एंड से देखें तो पब्लिशर के दिमाग में आ रहा है कि पेपर की कमी हो जाएगी, अब पेपर कैसे, लोग खरीद ही नहीं पाएंगे क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएगी और इनके पास पैसा बचेगा नहीं, तो ये भी एक नुकसान है। तो उसमें इन्होंने दिमाग लगाया कि जब बुक पब्लिशर्स का डिमांड धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया तो इसके लिए किस तरह से आप सर्वाइव कर जाओगे। तो पब्लिशर ने सोचा कि जो आप सबसे चीपर पेपर होगा, सबसे सस्ता जो पेपर हो और सबसे सस्ते में जो प्रिंट करके आप दे सको, प्रिंटिंग नहीं रुकी, दे हैव इन्वेंटेड अ न्यू वे, एक नया तरीका उन्होंने खोज निकाला कि आप सबसे चीपर रेट्स पे सबसे चीपर पेपर को यूज़ करते हुए प्रिंट करें एंड उसको फिर सर्कुलेट करें जिससे कि लोग समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, वो अपना पढ़ने का हैबिट ना छोड़ें। वो चीज़ें अभी तक ये लोग सीख चुके थे। 19th सेंचुरी में क्या कंडीशंस थी उन सबको हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, और ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे हम। छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी, बहुत मतलब थोड़ी सी देर में कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना या टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी मुझे बता सकते हो। हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई दिक्कत अगर तुम्हें आ रही है किसी भी दूसरे टॉपिक में तो भी आप पूछ सकते हो थ्रू द टेलीग्राम चैनल और कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।